करबला 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 है सकीना के चचा है सकीना के चचा बस ये शरफ कर दे अता अरबई पर जाऊं मैं पैदल नजफ से करबला आज मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ वो मकाम अली अकबर है और ये जो लाइव ज़्यारत करवाई जा रही है ये हैदर टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन से करवाई जा रही है और मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ारा हुसैन करबलाई। मौला मजलूम करबला आप तमाम तर बहन भाइयों की नियाबत में बिलखसूस तमाम तर मरहूमीन की नियाबत में सलाम और ज़ारत अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमाएँ। सलामत रहें बात रहें मौला अपन की कभी का इजाफा फरमाएँ मौला अपन को कभी भी कोई गम न दे इस गाय गमे हुसैन के इसको मकतल गाहे मौला और शहजादे अली अकबर के नाम से इसको जाना जाता है यानी मकतल उस जगह को कहा जाता है कि जहाँ पर किसी को शहीद किया जाए प्यासी हालत में या ऐसे गुज या तीर के साथ कि वो अपने घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ गिरे। तो ये वो मकाम है कि जहाँ पर शहजादा अली अकबर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे शहजादा अली अकबर को बर्छी लगी थी और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जो लख्त जिगर थे शहजादा अली अकबर वो घोड़े से जीन से ज़मीन पर गिरे थे और आज ये मकाम मौजूद है और लोग यहाँ पर आते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं उनके बेटे शहजादे अली अकबर का। मौला मजलूम करबला कब्र मुबारक जो है उनकी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री के अंदर ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात से इस वीडियो से फैजाब होंगे और आप लोगों को नॉलेज मिला होगा कि उन लोगों के लिए बिलखसूस कि जो ये कहते हैं कि मकतल का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे शहजादा अली अकबर की ज़रिए मुबारक या कब्र मुबारक एक है तो ये वो मकान है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे लोग यहाँ पर ये तंग सी गली है बहुत तंग सी गली है और लोग जो है बड़ी मुश्किल से आते हैं और क्योंकि अब जो है वो अरबईन का मौका है तो बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं ज़्यारत करने के लिए और अरबईन पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये देख सकते हैं आप सामने मकामे मौका इस्तशहाद यानी मौका जगह को कहते हैं इस्तशहाद यानी जहाँ पे शहीद किया गया था अली अकबर को यानी ये वो जगह है कि जहाँ पर शहजादा अली अकबर को कि जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं उनको शहीद किया गया था। सलामत रहें मौला अपनों के कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के और मौला इस टीम के जितने भी मेंबर हैं जहाँ पर भी हैं जिस जगह पर भी हैं जिस मकाम पर भी हैं मौला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे और मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और मौला उन्हें दुनिया का कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। से करबला।